हाय व्यूअर्स, आप कैसे हैं सब। तो आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। तो मैंने आज सोचा है कि कैसे फ़ोन का माइक बनाया जाए तो जिससे रिकॉर्डिंग अच्छे से हो। तो मैंने सिंपल एक तरीका सोचा है, देखते हैं ट्राई करके। तो चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज पे बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ ओल्ड ईयरफोन्स चाहिए होंगे, जैसे मेरे पास ये हैं, इसको साइड में रख देंगे। और मुझे चाहिए होगा एक स्केच पेन, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये एक स्केच पेन है, ओल्ड स्केच पेन ले लेंगे कोई भी, ठीक है। और ये मैंने माइक उतारा है ओल्ड ईयरफोन्स में से, तो उसका माइक ले लेंगे। और साथ में हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगी, सोल्डरिंग आयरन और चाहिए होगा। तो और मुझे साथ में चाहिए होगा सोल्डरिंग वायर, और साथ में फ्लक्स चाहिए होगा थोड़ा सा, तो यूज़ करेंगे फ्लक्स का भी। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं माइक बनाने के लिए। सबसे प्रोसेस हम आपको करके दिखाते हैं, चलिए। तो चले, हम सबसे पहले मैं इसकी कैप, पिछली बैक कैप रिमूव कर रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं। तो ये मैंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद मुझे प्लकर की नीड होगी, तो मैं इसके अंदर से वो निकाल दूँगा। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, तो रुकिए मैं निकाल देता हूँ। तो मैंने ये निकाल दिया प्लकर से, और मुझे चाहिए होगा, इसको मैं साइड में रख लूँगा। और अब मुझे चाहिए होगे ये ओल्ड ईयरफोन्स, ठीक है। तो मैं इनको भी ओपन कर लूँगा, इनके मैं वायर्स काटूँगा नहीं, सिंपली ओपन करके इनकी सोल्डर आउट कर दूँगा। तो चले सोल्डर आउट भी कर लूँ। तो देखिए अच्छी हमें, मैंने यहाँ से वायर्स स्पीकर्स मूव कर दिए हैं। तो मैं इसको पहले तो थोड़ा सा वायर को आगे से छिलूँगा, और उसके बाद इसके साथ सोल्डर कर दूँगा। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायोड दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको एक, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये कैपेसिटर को लगे रहने देंगे। और उसके बाद ये वायर्स को रिमूव करना है, और पॉजिटिव ये है ऑरेंज वाली और नेगेटिव ब्लू वाली। तो चलिए पहले वायर्स को टीयर करते हैं, और उसके बाद इनको पहले सोल्डर करके देखते हैं। तो वायर्स टीयर करने के बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो इसमें भी आपको इजी हो जाएगा फाइंड करना कि कौन सी वायर पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो वायर मेरे हैंड में, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये तो रेड है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी वाली जो वायर है वो ब्लू है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्डर करने के लिए, बारी आ चुकी है। तो माइक उठा लेंगे, और यहाँ से इनको पहले फटाफट से मैं अनसोल्डर करूँगा वायर्स को। मैं अनसोल्डर कर देता हूँ, मैंने रिमूव कर दिए वायर, और ये रुकिए। तो मैं दूसरी वायर, पहले मैं एक वायर सोल्डर कर दूँगा, नेगेटिव वाली वायर सोल्डर कर दी है मैंने अब यहाँ, ये देखिए। प्लीज़ ध्यान रखें कि जो वायर्स हैं वो माइक की बॉडी पे टच ना हो, सिर्फ सोल्डर हुए, तो उससे क्या होगा कि आपका माइक चलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए सोल्डर कर देते हैं। तो सोल्डर हो गया है, मैं आपको दूसरी करके दिखाता हूँ जल्दी। तो भाई फाइनली मैंने सोल्डर कर दिया है माइक को, और उसके बाद मैं इंसर्ट कर लूँगा। तो फाइनली चलते हैं इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा माइक पूरा रेडी हो। तो करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करते हैं, ताकि यह इजली बाहर आ जाए। तो चलिए कट करेंगे, इजली मैं कट कर देंगे। तो मैं इसे कट कर रहा हूँ, तो ये निकल के कट आउट हो गया, देखिए बाहर। तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी,
तो अब इसके अंदर माइक को इंसर्ट करते हैं। चलिए, तो फाइनली गाइज माइक को मैंने स्केच पेन के अंदर इंसर्ट कर दिया है। और इसके बाद तो हमें इसके अंदर सेट करना होगा माइक को थ्रू यूजिंग अ गम। सो मैं एक नोट बांध लूँगा अंदर ताकि माइक बाहर ना वायर टूटने का डर ना हो। तो करते हैं स्टार्ट, मार्क कर देंगे पॉइंट वायर के साइज़ का और देखते हैं कहाँ पे मैंने पॉइंट का मार्क करा था। लेट्स गो अहेड। सो चलिए पहले नोट बांध देते हैं अंदर। गाइस देख सकते हैं मैं माइक को इंसर्ट कर रहा हूँ अंदर, मैंने नोट लिखवा दिया अंदर। तो देखते हैं फिट होगा या नहीं। यस, माइक गेट्स फिटेड। सो देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से फिट हो गया माइक अंदर। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी। और गाइज कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं ऐसे ही न्यू टॉपिक्स के साथ ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।